नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं वानी टेक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एमएस पेंट के बारे में जानेंगे। एमएस पेंट में हम डिज़ाइन जो बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं और उसके ऊपर प्रोसेस क्या क्या करते हैं, शेप में से कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, या कलर बाकी के जो आपको इम्पोर्टेंट है जैसे सिलेक्शन कमांड है या बाकी के कमांड है, इस किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में इस एपिसोड में हम जानकारी लेंगे। अगर आप कोई भी कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टीचर हो तो भी आपको कंप्यूटर में अगर कोई पेपर बनाना हो या कोई ऑफिस रिलेटेड वर्क हो या स्कूल के रिलेटेड कोई वर्क हो तो करने के लिए भी आपको कंप्यूटर का बेसिक आना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी आपको कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इसी हिसाब से हमने वानी पे आपके लिए ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं जो फ्री में है, आप इससे लर्निंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हो। जल्दी हमारे ऑनलाइन के क्लासेस चालू होने वाली है जो आप यहाँ पे ले सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके भी आप जानकारी ले सकते हो। इसमें से जो कोर्सेस है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है जहाँ से आपको अच्छे अर्निंग हो सकती है, जैसे अकाउंट टैली है, टैली प्राइम है, GST है, कंप्यूटर बेसिक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए 3D Max और बाकी के है, मास्टर कैम है, आर्ट कैम है, और अब बाकी के जो कोर्सेस है वो सब इस चैनल पे आपको मिलेंगे देखने को। और उसके बारे में जानकारी भी हम आने वाले एपिसोड में सीरीज़ में बनाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाले नए हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कंप्यूटर बेसिक। तो कंप्यूटर बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम चालू कर देते हैं एमएस पेंट में हम काम किस तरीके से करते हैं, ये इस एपिसोड में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते एमएस पेंट। तो ट्यूटोरियल चालू करने से पहले हम देखते हैं कि इस एपिसोड में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम न्यू कमांड देखेंगे, उसके बाद ओपन कमांड देखेंगे, उसके बाद सेव, उसके बाद सेव एज और एग्जिट कमांड देखेंगे। और यहाँ पे एमएस पेंट कहाँ पे है ये सबसे पहले सर्च कीजिए। अगर आपको यहाँ पे एमएस पेंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पेंट टाइप कीजिए। पेंट टाइप करने से यहाँ पे पेंट ऐप आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए तो आपका एमएस पेंट यहाँ पे चालू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल देख दीजिए, यहाँ पे पेंट का जो टाइटल है वो अनटाइटल्ड पेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप नाम दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको एमएस पेंट सेव करना होगा तो वो कैसे करते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल देख दीजिए, यहाँ पे पेंट का जो टाइटल है वो अनटाइटल्ड पेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप नाम दे सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पेंट में जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से सेव है वहाँ पे जाना पड़ेगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल नेम और सेव टाइप यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जो फाइल का नाम देना है वो यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद उसको आप सेव कीजिए। यहाँ पे फोटो नाम आपको दिख रहा है, उसके बाद आगे जो कमांड है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सेव एज है, ये देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पे सेव एज करने के लिए आपको यहाँ पे PNG पिक्चर, JPG पिक्चर, BMP पिक्चर, GIF पिक्चर और अदर फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं JPG फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो नाम से मैंने यहाँ पे वही फाइल दोबारा सेव किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ़ोटो नाम आपको दिखा दे रहा है।
ठीक है। इसके बाद बेसिक कमांड में हम देखते हैं कि एग्ज़िट कमांड कैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप फाइल को एग्ज़िट यहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। यहाँ पे टास्क बार से मैं पेंट ओपन कर देता हूँ। दोबारा यहाँ पे जाके मैं दूसरा कमांड जो है ओपन है यहाँ पे, तो इसको ओपन कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे फ़ोटो नाम जो दिया है उसको यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। अब यही फाइल अगर मुझे दोबारा क्लोज़ करनी होगी तो यहाँ पे देखिए एग्ज़िट कमांड यहाँ पे है, और उसके बाद एग्ज़िट कमांड आपको यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए इसको क्लिक करने के बाद ये पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दोबारा इसको क्लोज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऊपर से भी अल्ट प्लस 4 दबा के भी आप इसको सेव करके क्लोज़ कर सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट कीजिए अल्ट प्लस 4। इसके बाद ये पूरा पिक्चर यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।